अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो अभी जो है हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके देखते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग के मुतल चैट जीपीटी क्या कहती है। आप लोगों ने सुना तो होगा कि चैट जीपीटी जो है वो एआई प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो सोल्यूशंस मिल जाते हैं आपको, आपके सवालात के जवाबात मिल जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक एक एप्लीकेशन या वेबसाइट आप कह सकते हैं, जो आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सलूशन भी आपको बता सकती है। आज हम इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं फ्रीलांसिंग के मुतालिक, ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक देखते हैं कि चैट जीपीटी के मशवरे क्या हैं, मशवरा करके देखते हैं चैट जीपीटी से आप भी साथ देखें। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बहुत मज़ेदार सवाल फ्रीलांसिंग से और ऑनलाइन अर्निंग से मुतल चैट जीपीटी से करने लगे हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो चैट जीपीटी ओपन कर ली है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है चैट जीपीटी से वो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हेलो चैट जीपीटी, तो उसके जवाब में उसने कहा है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। बहुत अच्छी बात है। तो अगला हम जवाब देखते हैं, सवाल करते हैं। विच स्किल्स, ये इसकी बजाय हम लिखते हैं विच फ्रीलांसिंग स्किल्स आर हाईली डिमांडेड। इसके जवाब में चैट जीपीटी कह रहा है द डिमांड फॉर फ्रीलांसिंग स्किल्स कैन बी चेंज ओवर टाइम। ये जो है वक्त के साथ साथ फ्रीलांसिंग की स्किल जो है वो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन 2021 के बाद का जो नॉलेज है वो बताएगा। ये सबसे पहले नंबर पे जो डिमांडेड स्किल्स हैं वो है वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड की जा रही है, जिसके अंदर HTML, CSS और JavaScript, ये लैंग्वेजेस जो है वो यूज हो रही हैं। बैकएंड में PHP पहले नंबर पे जा रही है, रूबी ऑन रेल्स और फिर पाइथन एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट जा रही है। वेब डेवलपमेंट में ये सारी स्किल्स हाईली डिमांडेड है। तो फिलहाल जो चल रही हैं वो हाईली डिमांडेड स्किल जो है वो वेब डेवलपमेंट पहले नंबर पे जा रही है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट दूसरे नंबर पे और कंटेंट राइटिंग तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जा रही है डिजिटल मार्केटिंग, पांचवें नंबर पे ग्राफिक डिजाइनिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो है SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डेटा एनालिसिस ये छठे नंबर पे है और वीडियो एडिटिंग सातवें नंबर पे जा रहा है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आठवें नंबर पे स्किल जा रही है। एक और क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से करते हैं कि इन 2023 विच फ्रीलांसिंग स्किल्स आर हाईली डिमांडेड। चैट जीपीटी इसके आंसर में कह रहा है कि एज आई डोंट हैव एक्सेस टू रियल टाइम डाटा, आई कैन ओनली स्पीक बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग डाटा विच हैड अ नॉलेज कट ऑफ इन 2021। ये 2021 की बेस पे जो डाटा है चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर को जो दिया गया है डेटाबेस में, तो
तो ये कह रहा है कि उसके मुताबिक ही ये रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन 2023 के मुताबिक अब वो कह रहा है कि मैं बताऊं तो वेब डेवलपमेंट पहले नंबर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दूसरे नंबर पे चल रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग तीसरे नंबर पे है, साइबर सिक्योरिटी चौथे नंबर पे है, डिजिटल मार्केटिंग पाँचवें नंबर पे है, उसके बाद छठे नंबर पे ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो प्रोडक्शन सातवें नंबर पे। तो हाईली डिमांडेड अभी भी फिलहाल 2023 में भी वेब डेवलपमेंट की स्किल चल रही है। उसके बाद देखते हैं हाउ कैन वी लर्न फ्रीलांसिंग, हाउ कैन वी लर्न फ्रीलांसिंग, हम फ्रीलांसिंग कैसे सीख सकते हैं। तो उसके बारे में वो चैट जीपीटी ने बताया है कि लर्निंग फ्रीलांसिंग रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। जाहिर बात है कि टेक्निकल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और बिजनेस स्किल्स, इन सब का मिक्सचर है, कम्बिनेशन है फ्रीलांसिंग, क्योंकि बिजनेस स्किल होना ही जरूरी है। आपने क्लाइंट से डील करनी है तो बिजनेस स्किल के बगैर तो आप डील नहीं कर सकते। मार्केटिंग स्किल इसलिए जरूरी है कि आपने अपनी स्किल के एडवर्टाइजमेंट करनी है और एसईओ वगैरह करनी है अपनी स्किल्स की, टेक्निकल स्किल्स जिनकी बेस पे आपने काम करके देना है क्लाइंट्स को। तो ये थी कुछ स्किल्स। उसके बाद उसने आगे डिस्क्रिप्शन में 7 पॉइंट्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट, मैं पॉइंट्स का जिक्र कर दूंगा, इन्हें डिटेल में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहली, इसने जो फ्रीलांसिंग सीखने के कुछ स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स उसने बताए हैं चैट जीपीटी ने। पहला स्टेप है, वो है आइडेंटिफाई योर स्किल एंड इंटरेस्ट, कि सबसे पहले नंबर पे अपना शौक किस चीज में है, आपको कौन सा काम आप आसानी से कर सकते हैं उसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें। उसके बाद है डेवलप योर टेक्निकल स्किल, दूसरा पॉइंट। पिछली वीडियो में भी मैं यही कहता आया हूँ कि आपको अगर एक स्किल में इंटरेस्ट है तो वो एक स्किल को जो है इम्प्रूव करें, उसमें अपने आप को इनहेंस करें, बेहतर से बेहतर करते जाएं प्रैक्टिस कर करके। यहाँ भी फ्रीलांसिंग चैट जीपीटी भी यही कह रहा है कि सबसे पहले नंबर पे स्किल का इंटरेस्ट देखें, कौन से काम को आप बेहतर तौर पे कर सकेंगे और शौक है जिसमें। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएं। तीसरे नंबर पे बिल्ड अ पोर्टफोलियो, पिछली वीडियोस में भी मैंने यही बताया है कि पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो भी स्किल पे काम सीख रहे हैं उसके, उस काम के प्रोजेक्ट्स को सेव करते जाएं एक फोल्डर में या एक जगह पे, और उसको एज अ पोर्टफोलियो आप साइड पे रखें। क्यों पोर्टफोलियो? जब भी क्लाइंट आएगा उसको आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा, अपना प्रीवियस काम दिखाना पड़ेगा, मैंने ये काम किया हुआ है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट उसने कहा है नेटवर्क विद अदर्स इन योर फील्ड, जो आप स्किल पे काम सीख रहे हैं उस स्किल से मुतालिक अपनी सोशल मीडिया पे अपने इर्द गिर्द एक नेटवर्क बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, सोशल मीडिया के ग्रुप्स ज्वाइन करें, पेजेस लाइक करें, लोगों को फॉलो करें, ताकि जिनको इंटरेस्ट है इसी फील्ड में, ताकि वो आपसे, वो बाद में आपको काम दे सकें या वो क्लाइंट्स ढूंढ के आपको दे सकें या वो एज अ क्लाइंट आपसे काम करवा सकें। पांचवा है सेटअप अ बिजनेस स्ट्रक्चर, जब आपको काम आना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप एक स्ट्रक्चर बनाए, बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब कि प्लानिंग करें, टाइम टेबल शेड्यूल हर चीज अपनी मैनेजमेंट करें ताकि उसको आप बढ़ा सकें अपने काम को। मार्केट योर सर्विस, अपनी सर्विस की मार्केटिंग भी करें। सेटअप योर रेट्स एंड मैनेज योर फाइनेंसेस, अपनी फिर जो है आपको जब आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, आपका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो अपने रेट्स वगैरह भी आप सेट करेंगे। ये थी। उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं, व्हाट फ्रीलांसिंग, व्हाट की बजाय हम लिखते हैं विच फ्रीलांसिंग सर्विसेज आर स्किल लेस,
क्वेश्चन मार्क लिखना था वैसे लिखा गया। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट देर आर नो ट्रूली स्किल लेस फ्रीलांसिंग सर्विस एज वेल फ्रीलांसिंग सर्विस रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ स्किल। तो ये बात आप लोगों को बावर करवाता जाऊँ कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, तो बगैर स्किल के आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। पहले नंबर पे आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल नहीं तो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो इधर पहली लाइन में इसने यही कह दिया कि स्किल लेस काम कोई है ही नहीं फ्रीलांसिंग का। कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे माइनर स्किल्स के साथ काम कर सकते हैं, मतलब जिनमें कम स्किल की ज़रूरत है, आपको डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो उसकी आगे डिटेल जो लिखी है इसका जो है बारे में मुझे नहीं था आइडिया, पता चल गया। इसमें वीडियो और ऑडियो फाइल्स को टेक्स्ट फाइल में राइट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। कस्टमर सर्विसेज आप दे सकते हैं जिसमें ईमेल आइजल वाया जैसे कॉल सेंटर का काम होता है, मैसेजेस वगैरह करना, चैट वगैरह करना क्लाइंट्स के साथ। यहाँ तक रखते हैं, पोस्ट कर देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मज़ीद फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। और टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।